नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बड़ा रोचक घटनाक्रम हुआ जिस पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने मजा लेना शुरू कर दिया। दरअसल आज एनडीए की बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाना था। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दल मौजूद थे। मंच पर वो दल भी मौजूद थे जिनकी एक एक सीट है, लेकिन आरएलडी के प्रमुख मंच पर मौजूद नहीं थे, जबकि उनके दो सांसद जीत कर रहे हैं। बस इसी को लेकर आज राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया। समाजवादी पार्टी ने तो इसे जाट अपमान से जोड़कर जयंत चौधरी को सलाह दे दी, अपने घर लौट आओ। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तो जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के सदस्य थे। जयंत चौधरी से एक बार पहले भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होने की बात आई थी, जिसकी रॉयल ब्रिटेन ने खबर छापी थी, तो जयंत चौधरी जी के कार्यालय से तुरंत स्पष्ट आया था कि ऐसा नहीं है, जयंत जी इंडिया में रहेंगे। जयंत जी ने खुद एक मीटिंग में कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं, जो पलट जाऊं। पर कुछ दिन बाद अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदरणीय चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, जिसके बाद जैन जी का बयान आया कि दिल जीत लिया। उसके बाद जैन जी ने कहा कि मुझे मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखाई देती है। फिर आरएलडी ने एनडीए में विधिवत शामिल होने की घोषणा कर दी और एनडीए के इस घटक दल के रूप में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा और बिजनौर और बागपत से उनके सांसद जीते। हालांकि उनके प्रभाव के क्षेत्र मुजफ्फरनगर सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसको लेकर कई दिन से कयास चल रहे हैं, कटाक्ष चल रहे हैं और ये मीमांसा की जा रही है कि आरएलडी ने अपना तो लाभ ले लिया, लेकिन आरएलडी भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं दे पाई। इसी कयासबाजी के बीच ये भी बहुत बार बार आता है कि समुचित सम्मान जो जयंत जी को मिलना चाहिए एनडीए में, वो नहीं मिल रहा है। एनडीए में जयंत चौधरी के जाने की घोषणा के बाद भी कई दिन तक जब एनडीए और भाजपा की तरफ से कोई स्वागत की खबर नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं आया कि एनडीए में जयंत शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो फिर राजनीतिक कयास शुरू हो गया। उसके बाद एक दिन यकायक एक फोटो जेपी नड्डा ने ट्वीट की जिसमें जयंत चौधरी अमित शाह से मिलने गए थे। उनके साथ शहजाद एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, जयंत चौधरी के राजनीतिक सलाहकार हैं और माना जाता है कि अजीत सिंह जी के समय में हो चाहे जयंत जी के समय हो, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जैन जी के हर राजनीतिक फैसले के मुख्य सलाहकार रहते हैं। मथुरा की एक फोटो वायरल हुई। मथुरा में अमित शाह मंच पर गए थे चुनाव प्रचार के दौरान। वह अमित शाह और उनके बराबर में लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, वो मंच पर फ्रंट पर हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं और जैन चौधरी पीछे दो चार नेताओं के अपनी जगह बनाते नजर आ रहे हैं। लोगों ने कटाक्ष किया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि जिस जयंत चौधरी से मिलने के लिए लक्ष्मी नारायण चौधरी लगातार प्रयास करते हैं, आज एनडीए में जाने के बाद जयंत जी की स्थिति ये हो गई कि जयंत जी को उन्होंने फ्रंट रो भी नहीं दी और वो पीछे बीच में से निकल के बीसी ग्रेड के नेताओं के बीच से निकल के अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को एक नया घटनाक्रम हुआ। जब एनडीए घटक दलों की बैठक हुई तो उसमें मंच पर सभी लोग बैठे थे, जिसमें एक सीट वाले अजीत पवार, एक सीट वाले जीतन राम मांझी और एक सीट वाली अनुप्रिया पटेल भी थी। इन लोगों का भाषण भी कराया गया, इनको मंच पर सम्मान भी दिया गया और इसके बाद जब प्रधानमंत्री को माला पहनाई गई तो तब भी ये लोग मौजूद थे और जयंत चौधरी दूसरी तीसरी रो में बैठे नजर आए। जयंत जी का फोटो देखिए। इस फोटो के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में कयास फैलने लगा कि क्या एनडीए में जयंत चौधरी को समुचित सम्मान नहीं मिल रहा है, या जो अपेक्षित सफलता जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना थी वो नहीं मिली, इसलिए जयंत चौधरी का वजन भाजपा के एनडीए में कम हो गया है। इंडिया गठबंधन को तो मौके की तलाश थी। इंडिया गठबंधन ने इसी को लेकर मुद्दा बना दिया, हंगामा मचा दिया, मजे लेने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ट्वीट किया, देखिए ये ट्वीट जिसमें लिखा है, आरएलडी के मुखिया जयंत
चौधरी को मंच प्रस्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी दो सीटें हैं, जबकि एक एक सीट वाले नेताओं को मंच पर बैठाया गया है। भाजपा की जाट समाज से नफरत और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भंडाफोड़ हो गया है। जैन चौधरी जी अगर सच में किसान हितैषी हैं तो उन्हें एनडीए से दूरी बनानी चाहिए और किसान हितों पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे और नजदीकी लालच के चक्कर में अपने स्वाभिमान और किसान हितों का सौदा भाजपा से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस और अन्य दलों ने भी इस पर टिप्पणियां की। जो लोग जयंत जी के इंडिया छोड़कर एनडीए में जाने से नाराज थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लगातार कटाक्ष करने शुरू कर दिए। इसी बीच एक नया घटनाक्रम ये हुआ कि जेपी नड्डा ने घटक दलों के नेताओं को अपने आवास पर बुलाया और उनसे संभावित मंत्रिमंडल के विषय में चर्चा की। इसी दौर में जयंत चौधरी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन ये बार बार उन्होंने कहा कि वो एनडीए में ही शामिल रहेंगे। रॉयल ब्रिटेन ने जब इस संबंध में राष्ट्रीय लोकदल के लोगों से पक्ष जानना चाहा तो जयंत चौधरी जी के अधिकृत प्रवक्ताओं ने अभी इस पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। जैन जी से संपर्क नहीं हो पाया। उनके कार्यालय ने बताया कि जैन चौधरी जब संसद भवन में गए थे तो वो लोकसभा सचिवालय में किसी और काम में रह गए थे, जिसकी वजह से जब तक वो पहुंचे तब तक प्रधानमंत्री आ गए थे, उनका प्रोटोकॉल लग गया था, इसलिए उनको मंच पर जगह नहीं मिली और वो उन्हें सामने की पंक्ति में ही बैठ गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री को माल्यार्पण करना था और सभी नेता मंच से उतर के आ गए थे, उस समय जैन चौधरी को बुलाया जा सकता था। ये सवाल सबके मन में जरूर है। बिजनौर के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलूक नागर ने इस बारे में जरूर कुछ अपनी राय दी है, पर उन्होंने जैन जी की बात को तो घुमा दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के व्यवहार को ध्यान रखे, जो उन्होंने अखिलेश जी के साथ किया था। मलूक नागर जी का बयान भी सुनिए। बैठक थी, उसके लिए जो कह रहे हैं, जैन जी की बात छोड़े, कांग्रेस और समाजवादी के नेता, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने कहा था, छोड़ो अखिलेश पखिलेश को, उस पे ध्यान दें। चौधरी जैन जी चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं। उन्होंने कभी अपने कपड़ों में नील टीनोपाल नहीं लगाया और चौधरी चरण सिंह जी ने जाके लाल किले से जो भाषण दिया, जिस ड्रेस में वो रोज पहनते थे उसी ड्रेस में जाके भाषण दिया। तो बैठना कहाँ है क्या है उसका ज्यादा जैन जी पे फर्क नहीं पड़ता। जैन जी संघर्ष करने वाले आदमी, जमीन के आदमी है। और जहां तक बात है, आज की पब्लिक समझदार हो गई है कि जो नीचे बैठते हैं उन्हें ऊपर बैठाते हैं और जो ऊपर बैठने की होड़ में रहते हैं उन लोगों को नीचे बैठा देते हैं। तो जो जहां तक बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी को, जैन जी को बहुत प्यार करते हैं, कहीं कोई भूल चूक हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है वो इतना प्यार करते हैं वो सब चीजों का ध्यान रखेंगे। रालो सूत्रों का दावा है कि जैन चौधरी को रविवार को मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह दी जाएगी। रालो नेता मानते हैं कि जैन चौधरी को कैबिनेट मंत्री पद दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी घटक दलों के लिए जो रणनीति बना रही है उसके तहत चार लोकसभा सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री दिया जाएगा, लेकिन कई कई दल एक एक सांसद जिता कर लाए हैं, जिसमें तीन तो मुख्य हमने आपको बताई दिए, अनुप्रिया पटेल, अजीत पवार और माझी हैं। ये सभी राज्य मंत्री तो कम से कम नहीं चाहते होंगे। संभावना ये हो सकती है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का प्रभाव देखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री पद भी दिया जा सकता है। होगा क्या, इस पर रहेगी नजर। 9 जून को जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा सारी कहानी खुलकर साफ आ जाएगी। फिलहाल राजेन चौधरी के लिए जो अभी तक एनडीए में व्यवहार हो रहा है उसको लेकर कयासबाजी जरूर चल रही है। आज ही एक और खबर निकली, जब प्रधानमंत्री सांसदों के बीच से आ रहे थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही मोदी जी अब योगी जी के पास आए उन्होंने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। इससे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा फैल गई। और एक और घटनाक्रम आज ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री सदन में आए तो सभी ने उनका खड़े होकर स्वागत किया, ताली बजाकर अभिनंदन किया, लेकिन नितिन गडकरी अपनी सीट पर बैठे रहे। हालांकि नितिन गडकरी ने उनके नाम का प्रस्ताव अनुमोदन किया है, पर नितिन गडकरी आज भी अपनी नाराजगी दिखाने से नहीं चुके। इन सबके बीच
9 जून को जो सरकार बनेगी वो कैसी चलेगी, कितने दिन चलेगी, क्योंकि मोदी जी कभी गठबंधन की सरकार चलाने के आदी नहीं रहे हैं, अपने मन की कहते रहे हैं, मन की करते रहे हैं, पर इस बार नीतीश का भी मन कुछ और होगा, नायडू का भी मन कुछ और होगा, इनका मन डगमग होगा तो सरकार डगमग होगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जिस नेचर के नेता हैं वो इनके साथ कैसे सामंजस्य बनाए रखेंगे, इस पर रहेगी परसों भी नजर और आने वाले समय में भी नजर। आप रखिए रॉयल बुलेटिन पर नजर, देंगे हर राजनीतिक खबर आपको सही तथ्यों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अभी तक रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।